ताजा समाचार तमारी भाषा में मेळववा माटे डाउनलोड करो गुजराती मिडडे नी एप। बच्चों में बहुत आक्रोश है, वो जस्टिस चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ये भी लगा है कि दृष्टि आईएएस से कोई चूक हुई है? चूक हुई है, और लेकिन वो चूक ऐसी नहीं थी कि नीयत हमारी खराब रही हो, लेकिन हाँ चूक हुई है नियमों के स्तर पर। इंटरेस्टिंग बात या विचित्र बात यह है कि अगर आप मुझसे पूछें कि दिल्ली में कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी संख्या कम से कम 1000 तो होगी ही, शायद ज़्यादा होगा, 2000 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो नॉर्म है फायर एनओसी की, एजुकेशन बिल्डिंग की, अगर आप मुझसे पूछें कि दिल्ली में कितनी बिल्डिंग्स के पास हैं, मेरा अनुमान है कि 2000 में से शायद एक के पास भी नहीं है। ध्यान रखिए मैं जो कह रहा हूँ, फायर एनओसी फॉर एजुकेशनल बिल्डिंग। ऐसा नहीं है कि कोशिश हमने या बाकी इंस्टीट्यूट ने नहीं की। सर आपके कोचिंग सेंटर की बात करते हैं, दृष्टि आईएएस की बात करते हैं, जो मुखर्जी नगर में जो कोचिंग सेंटर है उसको एमसीडी ने उसका बेसमेंट सील कर दिया था। बच्चे आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो दोनों कोचिंग सेंटर, मुखर्जी नगर में हो चाहे करोल बाग में हो, वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चे कल रात को आपके घर के सामने भी पहुँच गए हैं। बच्चों में बहुत आक्रोश है, वो जस्टिस चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ये भी लगा है कि दृष्टि आईएएस से कोई चूक हुई है? मतलब ये कह सकते हैं आराम से कि चूक हुई है, और लेकिन वो चूक ऐसी नहीं थी कि नीयत हमारी खराब रही हो, लेकिन हाँ चूक हुई है नियमों के स्तर पर। इंटरेस्टिंग बात या विचित्र बात ये है कि अगर आप मुझसे पूछें कि दिल्ली में कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी संख्या कम से कम 1000 तो होगी ही, शायद ज़्यादा होगा, 2000 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जो नॉर्म है फायर एनओसी की, एजुकेशन बिल्डिंग की, अगर आप मुझसे पूछें कि दिल्ली में कितनी बिल्डिंग्स के पास हैं, मेरा अनुमान है कि 2000 में से शायद एक के पास भी नहीं है। एक के पास भी नहीं? जी, ध्यान रखिए मैं जो कह रहा हूँ, फायर एनओसी फॉर एजुकेशनल बिल्डिंग। फायर एनओसी कई तरह के होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए बने होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोशिश हमने या बाकी इंस्टीट्यूट ने नहीं की, पर क्या होता है कि जब कोई हादसा होता है उसके बाद मोटी मोटी चीज़ें सतह पे आती हैं कि फायर एनओसी नहीं था या ये नहीं था या वो नहीं था, और जनता का आक्रोश फट पड़ता है। उसके पीछे की वजहें क्या हैं, परिस्थितियाँ क्या हैं, वो सोचने के लिए, समझने के लिए धैर्य चाहिए, समय चाहिए। तो मैं असल में 3 दिन से ये भी चाह रहा था कि पहले सारी स्थितियाँ सामने आ जाएं, क्योंकि 1-1.5 दिन तक तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा था कि कितने बच्चे थे, क्या स्थिति है। धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट हुई, तो फिर आज ये मीटिंग हुई, तो मेरा ख्याल है कि अब हम उन सब बातों पर ज़्यादा स्पष्ट रूप से बात कर सकते हैं। जहाँ तक बात है हमारी बेसमेंट की, हमारी बेसमेंट मुखर्जी नगर में थी, करोल बाग में हमारे पास 4-5 बिल्डिंग्स हैं, उनमें से एक बिल्डिंग की बेसमेंट सील हुई है। बेसमेंट जो करोल बाग में थी वो अप्रूव्ड बेसमेंट है, अप्रूव्ड कमर्शियल बेसमेंट है, जिसमें एनओसी पे लिखा हुआ है कि उसमें ऑफिस चलाया जा सकता है, उसमें ऑफिस ही चल रहा था। पर अभी एमसीडी पर जो दबाव था उन्होंने इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से सबको सील किया है, हमें भी सील किया है। नेहरू विहार में जो बेसमेंट थी जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा शोर हुआ, दरअसल क्या होता है कि जैसी बेसमेंट की बात आई तो सबके मन में बेसमेंट की एक इमेज बन गई है, एक छवि बन गई है। छवि ऐसी कि एक छोटी सी बेसमेंट है, उसमें कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, एक ही दरवाज़ा है, अगर वो बंद हो जाएगा तो क्या होगा, एकदम जायज़ बात है। जो नेहरू विहार की बेसमेंट थी वो किसी घर की बेसमेंट नहीं थी, वो एक कमर्शियल मॉल है, उसकी बेसमेंट है, बहुत बड़े आकार की बेसमेंट है, उसमें एक नहीं, दो नहीं, 7 एग्ज़िट हैं, 7ों एग्ज़िट आपस में कनेक्टेड हैं। उसमें क्लासरूम्स थे, हर एक क्लासरूम के अंदर मैप लगे हुए हैं कि किसी भी इमरजेंसी में आप कहां कहां से बाहर निकल सकते हैं। हमारे स्टाफ के जितने मेंबर्स हैं उन सब की ट्रेनिंग वहां पर लगातार होती है, फायर डिपार्टमेंट की मॉक ड्रिल्स वहां पर लगातार स्टाफ के साथ होती हैं। मैं अपने होशोहवास में ये बात कह रहा हूं कि हमें 3 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ उसके पहले ये एहसास था कि वो बेसमेंट शायद दिल्ली के सबसे सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में से एक है,
क्योंकि जहाँ तक फायर की बात है, और वो बिल्डिंग बनी है नेशनल बिल्डिंग कोड के जो लेटेस्ट प्रतिमान है उनके हिसाब से, क्योंकि बिल्डिंग हाल ही की बनी हुई 10-12 साल पहले की बिल्डिंग है। जब वो बिल्डिंग बनी, क्योंकि हम उसके मालिक नहीं हैं, हम उसके टेनेंट हैं, जो उसके मालिक हैं, जब हमने उनसे पूछा, क्योंकि पिछले एक दो साल से ये प्रोसेस ज़्यादा हुआ शुरू, हमने उनसे पूछा कि क्या आपके पास अथॉरिटी है, उन्होंने कन्वेंस डीड की कुछ चीज़ें अंडरलाइन करके दी जो उन्होंने हाई कोर्ट में भी दिखाई। हाई कोर्ट में इस पर 1.5 साल से केस भी चल रहा है। डीडी और एमसीडी के बीच में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कई चिट्ठियाँ एमसीडी ने लिखी हैं, कई डीडी ने जवाब दिए हैं। अब कोर्ट में कल फिर उसकी अर्ली हियरिंग होने वाली है, उसमें वो बात भी आने वाली है 28 अगस्त को, वरना वो हियरिंग थी ही 28 अगस्त को, फैसला वैसे भी होने वाला था कि ये अलाउड है या नहीं, उसके बाद हम शायद हटते ही। और पिछले एक साल में हमने अपने स्टूडेंट्स को न केवल क्लास में, मैंने बताया कई बच्चों को, अब जो एकदम लेटेस्ट वाले बच्चे उनको छोड़ दें, क्लास में जा जा के सबको बताया कि ऐसा हो सकता है कि हमें इसकी परमिशन ना मिले, उस केस में हम शिफ्ट करेंगे। यहाँ तक कि उनसे आज से करीब 1 साल पहले की बात होगी, उनसे हमने ऑनलाइन एक फॉर्म भरवाया कि उस केस में वो कहाँ जाना पसंद करेंगे, करोलबाग जाना पसंद करेंगे, यहाँ रहना पसंद करेंगे, या अभी तय नहीं कर पा रहे हैं, बाद में तय करेंगे। वो डेटा हमारे पास पूरा है कि उन बच्चों ने 1 साल पहले क्या क्या वोट भरा, और सहमति ये थी कि अभी सरकार में वो हाईकोर्ट में केस चल रहा है, जैसे उस पर कोई निश्चित निष्कर्ष आएगा उसके बाद हम उस तरह से काम करेंगे। सब्सक्राइब करो गुजराती मिड डे, बेल आइकॉन पर क्लिक करीने मेरे वो तमाम वीडियो ना डायरेक्ट नोटिफिकेशन।